आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सलीम होटल के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा है। यहाँ लिखा गया है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। मैं आपको वो पुराना बोर्ड भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर अब से लगभग 15 साल से जो होटल चल रहा था उसका नाम संगम शुद्ध भोजनालय के नाम से जो है जाना जाता था। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के आदेश से एक तरफ जहां पूरे प्रदेश की सियासत गर्म है, वहीं अब इस आदेश का असर यूपी में साफ दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि यूपी में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर खाने पीने और फल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अपने अपने नाम का पोस्टर लगाने का आदेश हुआ है। ये तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है जहां प्रशासन के आदेश पर कई दुकानों के नाम बदले गए हैं, जैसे संगम शुद्ध भोजनालय अब सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो गया है। वहीं चाय लवर पॉइंट का नाम वकील साहब टी स्टॉल हो गया है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे के किनारे चाय की दुकान चलाने वाले फहीम का कहना है कि प्रशासन के आदेश पर उन्हें अपनी दुकान का नाम बदलना पड़ा। त्योहार वाले महीने में प्रशासन के इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा आप खुद सुनिए। आपका फहीम। फहीम कहाँ पर आपकी दुकान है? ये खतौली बाईपास चीतल ग्रांड बंगेला। किस नाम से थे आपकी पहले दुकान है? चाय लवर पॉइंट। अब क्या हुआ आपकी दुकान का नाम चेंज किया गया है? वकील अहमद। किसने कराया, क्या रहा जी पूरा मामला? हमें तो पता नहीं, हमें उसको तो बंगेला पुलिस चौकी आई थी जी, उन्होंने कहा हमने कर लिया। क्यों कहा, कुछ पूछा? ये कांवड़ियों की वजह से है। अच्छा, जैसे कांवड़ चलती थी जी, बताइए। जैसे कि कांवड़ चलेगी तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये दुकान किसकी है, हिंदू की है या मुसलमान की। अच्छा। जैसे कांवड़ यात्रा चलेगी, पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कितना फायदा था, कितना नुकसान था पहले? जैसे कांवड़ यात्रा चलती थी कितना फायदा होता था? बस जी अब फायदा क्या है, अब तो नुकसान ही नुकसान है। इतना ही नहीं, 15 साल से मुजफ्फरनगर में लोग जिस ढाबे को संगम शुद्ध भोजनालय के नाम से जानते थे वो अब प्रशासन के आदेश के बाद सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो गया है। हम इस समय मौजूद है मुजफ्फरनगर के रोड की रोड, जहां पर प्रशासन के फैसले के बाद ये एक होटल है जिसका नाम संगम होटल था, लेकिन अब ये सलीम होटल बन गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सलीम होटल के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा है। यहाँ लिखा गया है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। मैं आपको वो पुराना बोर्ड भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर अब से लगभग 15 साल से जो होटल चल रहा था उसका नाम संगम शुद्ध भोजनालय के नाम से जो है जाना जाता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन द्वारा जैसे ये फैसला जो है मुजफ्फरनगर में जारी किया गया तो लगातार जो है सभी हाईवे पर जो है नाम बदल दिए गए हैं और यूपी नहीं बल्कि देश भर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं ढाबे के मालिक सलीम का दावा है कि उनका ये ढाबा करीब 25 सालों से चलता रहा है। लोग इसे अब तक संगम शुद्ध भोजनालय के नाम से जानते थे, मगर पहली बार प्रशासन के आदेश पर उन्हें अपने ढाबे का नाम बदलना पड़ा। क्या नाम अंकल जी आपका? सलीम। अच्छा, ये कौन सा होटल है? संगम शुद्ध भोजनालय भोजनालय था, अब होगा सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। क्या वजह रही जो कई वर्षों से आपका होटल संगम के नाम से चल रहा था? बस कांवड़ यात्रा का हिसाब से नाम चेंज हुए। कौन आया था नाम चेंज कराने के लिए? प्रशासन ही आया था, प्रशासन के आदेश थे। क्या कहा है प्रशासन? यही कह रहे थे कि अपना नाम का बोर्ड लगाओ। कितने सालों से होटल चला रहे हैं? हो गए 24-25 साल। तो कितने कांवड़िया यहाँ पर गुजरते हैं? कांवड़े तो मेरे यहाँ आते नहीं, पल्ली साइड में गुजरे हैं, कच्ची सड़क में गुजरे हैं, बाईपास में गुजरते हैं। हाँ। मेरा कांवड़ का काम है भी नहीं, और कोई आ भी जाए तो उसका मान सम्मान उसकी सेवा करी जाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर जारी आदेश पर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सामान लेने वाले को ये पता होना चाहिए कि वो किसकी दुकान से खरीदी कर रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं इस बीच सीएम योगी ने इसे पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा तक लागू करने का निर्देश दिया है। प्रशासन द्वारा जैसे ये फैसला जो है मुजफ्फरनगर में जारी किया गया तो लगातार जो है सभी हाईवे पर जो है नाम बदल दिए गए हैं और यूपी नहीं बल्कि देश भर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसमें अलग अलग नेताओं ने ट्वीट भी किए हैं जिसको लेकर सियासत भी जो है लगातार गर्म हो रही है। एक दूसरों पर जुबानी जंग जो है नेता कर रहे हैं कि
ये सही है तो कोई इसको गलत बता रहा है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश भर में जो है कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए ये मुहिम जो है चलाई जाएगी और जो है सभी रेडी पटरी और कांवड़ मार्ग पर बने हुए संस्थानों पर उनके नाम अंकित किए जाएंगे। अमित कुमार, पंजाब केसरी टीवी, मुजफ्फरनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।